होंगे अपने घर पे, अपने काम में मस्त होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आज मौका मिला है किधर घूमने का। घूम तो रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, बट पर्सनली घूमने का मौका अभी काफ़ी टाइम बाद मिला है। सैटरडे था, फिलहाल मुंबई में हूँ। सैटरडे था तो सोच रहा था कि क्या प्लान करूँ, और अचानक से प्लान बना है अलीबाग में कैंपिंग का। तो सबसे पहले उसके लिए हमने यहाँ से फेरी लिया है, और फेरी में बैठने के बाद ये यहाँ का नज़ारा है। थोड़ा सा बहुत ही प्यारा प्यारा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा, और लगभग आधे घंटे का जर्नी होएगा यहाँ से अलीबाग के लिए, और उसके बाद वहाँ पे आपको मैं मिलूँगा। तो अभी आधे घंटे का सफ़र करने के बाद अलीबाग पहुँचे हैं। यहाँ अलीबाग नहीं, यहाँ से ये मांडवा है, ये भी एक आइलैंड ही है। मांडवा पहुँचे हैं तो ये फेरी से आए, और सब लोग उधर ही जा रहे हैं। जितने भी यहाँ सब लोग आए हैं, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लोग उधर ही जा रहे हैं, और यहाँ से बस में बैठेंगे और फिर आगे जो है अलीबाग बाय बस जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके आपको और भी मैं बताता रहता हूँ कि अपना कैंपिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैंने कैंपिंग वैसे बहुत जगह की है, पर बीच के किनारे कैंपिंग फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा, क्या मज़ा आता है कि नहीं आता है, या फिर बेकार ही काम जाता है, वो सब आगे जाने में पता लगेगा। तो सब लोग देखो साथ में जा रहे हैं। तो भैया काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि थोड़ा हमको चलना पड़ा, ऑटो भी लिया, कम से कम भी अलीबाग से ये 12-13 किलोमीटर दूर था ये जो कैंप जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं, और बीच के किनारे ये सब यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो साइड पे, और ये यहाँ पे ये सब कैंप वगैरह लगे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको कैंप दिखाता हूँ कि कौन से और कैसे कैंप हैं हमारे को, हमको कौन सा कैंप मिला है, या फिर कैसा है यहाँ का सिस्टम। एक सेकेंड, तो ये सब टेंट्स वगैरह लगे हैं, डबल ऑक्यूपेंसी पे भी हैं, मतलब एक टेंट में दो लोग भी रहते हैं और एक में चार भी रहते हैं। तो जैसे ये टेंट है, ये टेंट मेरे को मिला है। अरे यार ये गाना बज रहा है, एक सेकेंड। जैसे ये कैंप देख रहे हो आप पीछे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंप्स रहते हैं, और वो साइड उधर साइड पे वॉशरूम्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे। और ओवरऑल अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। शाम को यहाँ पर लाइव म्यूज़िक होगा, लाइव टीवी स्क्रीनिंग होगी, और इस पैकेज में 1800 रुपये इसका प्राइस है। इसमें ही सब इंक्लूड रहता है, आपका अभी का मील, इवनिंग का जो स्टार्टर्स वगैरह हो गए, या फिर डिनर, फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद हमारा चेकआउट होएगा। तो इसके बाद जब म्यूज़िक वगैरह चलेगा वो सब मैं आपको दिखाऊँगा, तो देखते रहिएगा वीडियो को। तो अभी हम लोग, मैं थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ, और अभी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सामने लगे हुए हैं, सब लोग फ्रेश होके आ रहे हैं। धीरे धीरे सब गैदरिंग होने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइव म्यूज़िक होएगा, और हम लोग स्नैक्स का मज़ा लेंगे, गाने का मज़ा लेंगे, म्यूज़िक का मज़ा लेंगे, नाचेंगे। मेरे साथ नाचने वाला तो कोई नहीं है फिलहाल, मैं अकेला ही नाचूंगा बैग लगा के। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, टाइम तो फिलहाल अभी 6:30 हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने नाश्ते का प्रबंध करवाया हुआ है, मिसल पाव बनाए मस्त वाला, और नाश्ता करने के बाद डिनर थोड़ा लेट होएगा भरत भाई। और हाय, कितने पाव खा रहा है भाई, वो वाला साहब हिसाब तो नहीं कर रहा, महेश्वर वाला। एक दिन हम लोगों ने 10 वड़ा पाव खाए थे, तो आज वैसा नहीं, अब हम लोग हल्का नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा बोड़का लाए हैं वो पिएंगे थोड़ी, फिर थोड़ा इधर भांगड़ा होएगा, नाच होएगा, और फिर उसके बाद मजा करेंगे। बहुत हो गया है, और शायद ही आगे का वीडियो गोप्रो पे बने, मैं मोबाइल के कैमरे से बनाऊंगा। एवरीवन हियर, सबका अटेंशन है, म्यूजिक चल रहा है जी, बढ़िया तरीके ना सब कुछ हो रहा है, पैग बुग ला के आप बैठे हैं आगे को सेकंड नु ते। ओके, लेट्स सिंग दिस टुगेदर। हां जी, सिंग टुगेदर। तो अभी काफी गर्मी हो रही है यहाँ पर, और
सब मस्ती में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। सब मजे कर रहे हैं और हम भी मजे कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से पंजाबी गाने बज रहे, सुन लो आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह बहुत प्यारी सी सुबह हुई है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, तो बहुत अच्छे से हमारी रात बीती। गले की आवाज़ सुनकर आप आइडिया लगा ही सकते हैं आप लोगों को। आप जैसे पता तो वीडियो में तो आपने देखा कि लेट नाइट हम लोग म्यूज़िक वगैरह चलता रहा, फिर यहाँ पर एक मूवी चली ये जवानी है दीवानी, और उसने हमें बहुत पकाया उस मूवी ने। पहले देख चुके हैं एक्चुअली इसलिए, और जो लोग सो रहे थे उनको भी सोने नहीं दिया, इतना ज़ोर से आवाज़ें वगैरह हो रही थी इधर। और सुबह चार साढ़े चार बजे बंद हुआ ना, साढ़े चार बजे वो मूवी बंद हुआ। तो बाकी अभी ब्रेकफास्ट लगा है यहाँ पर, वो सामने एकदम मस्त पोहा बना है। किसी को खाना है तो खा सकते हैं जाके में। और सब लोग बैठे हैं इधर, एक ग्रुप उधर बैठा है, फिर एक ग्रुप इधर बैठा है, मेरा फेवरेट ग्रुप तो उधर बैठा है। तो सब अच्छे हैं, यहाँ पे गेम्स भी खेली हमने, सब बहुत अच्छे से मस्ती वस्ती करी। बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस जो है। बस मच्छर थोड़े ज़्यादा थे, काट लिया मच्छरों ने मुझे। और अभी नीचे यहाँ पर बीच है और हम वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ क्या बनी है। हाँ हाँ दे रहा हूँ, पाँच जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, कैश लेना कैश ले लो। ये भैया हैं अक्षय भैया, जिनके थ्रू हम लोग आए हैं लिव बिफोर यू डाई कंपनी, और मिस्टर जतिन और अक्षय भाई जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था कैंप का। तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा भैया। पोहा किधर गया? ये पोहा है, इन्होंने पनीर डाला है शायद इसमें, वो जो देखा था हमने वो पनीर ही था। बहुत अच्छे से पोहा बना है, चाय कॉफ़ी सब रेडी है। और ये साइड है बीच, अगर किसी को यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी हो वो लोग कर सकते हैं। अब फ़िलहाल मेरे को नहीं करना क्योंकि मैं पक गया हूँ ये सब एक्टिविटीज़ करके पहले। और वो साइड पर हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठा हुए हैं, बेवकूफ़ हैं सब। तो इसके बाद रिटर्न का देखते हैं क्या प्लान है, कुछ आइडिया नहीं अभी, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे, संडे कैसे निकालेंगे, और कल वापस रिटर्न दिल्ली। मैं रिटर्न आ गया हूँ अलीबाग से कैंपिंग करके। तो हमारा सैटरडे जो है बहुत अच्छे से निकला, कैंपिंग का बहुत मज़ा लिया हम लोगों ने, और इसी सेम रास्ते से वापस अभी मुंबई जाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट प्लान मेरा तो फिलहाल दिल्ली का है, और उसके बाद फिर एक और कश्मीर टूर है, और आगे की जानकारी देता रहूँगा आपको। और फिलहाल के लिए आप सफ़र का मज़ा लो। फिर से इसी फेरी में जाने वाले हैं रिटर्न, जिसमें कल आए थे। तो सफ़र सुहाना है, बस मज़ा लेते रहो।